मैग्निफाई हो गया है, कई गुना ज्यादा बड़ा हो गया है। तो ये पूंजी की कंपोजिशन है या साम्राज्यवादी, लेकिन पूंजी की कंपोजिशन का ये फर्क देखिए। तीसरा, पूंजी के निर्यात के तौर तरीकों के साथ एक पूंजी के आवाजाही के रास्ते में राष्ट्र राज्यों ने तमाम प्रकार के शुल्कों की जो बाधाएं खड़ी की थी, वो बाधाएं उदारीकरण निजीकरण का जो परचम लहराया जाता है उसमें पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। श्रम की आवाजाही पर रोक है, जैसे यही सस्ता मजदूर अगर अमेरिका में जाकर के अमेरिकन मजदूर के बरक्स इतनी सस्ती मजदूरी पर काम कर रहे हैं तो विस्फोट अमेरिका में हो जाएगा। तो उन्हें अपने उत्पादन के लोकेशन को शिफ्ट कर देना है, लेकिन श्रम की आवाजाही पर तरह तरह की बंदिश लगा है। श्रम शक्ति को सस्ते में खरीदने की हवस वहां के पूंजीपति वर्ग को ऊपर यह दबाव बनाती है कि वह यहां पर मैन्युफैक्चरिंग कराए और यहां के डॉक्टरों इंजीनियरों को एक तरीके से कहा जाए कि राष्ट्र राज्यों की भूमिका अपने देशों के भीतर श्रम को रेगुलेट करने, दबाने, नियंत्रित करने की रह गई है और दुनिया के राष्ट्र राज्यों की सम्मिलित भूमिका उनके अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही में तरह तरह की बाधाएं लगाने की रह गई है। लेकिन वो संचिता वाला साम्राज्यवाद अस्तित्व में आया कि ये भी एक गलत सोच है। जो हिस्टोरिकल बॉन्ड है पूंजी के पर्टिकुलर राष्ट्रीय धड़े का, हमेशा कंपनी में कोई स्ट्राइक होती है तो होंडा कंपनी का पैसा जितना जापान में लगा हुआ है, अलग अलग देशों के ट्रांसनेशनल कारपोरेशन का उन देशों की राज्य सत्ता के साथ एक ऐतिहासिक बॉन्ड है और पूंजी के हर धड़े को एक राज्य सत्ता चाहिए, पूरे पूंजीवाद को तो राज्य सत्ता चाहिए ही, लेकिन पूंजी के अलग अलग धड़े को भी समय समय पर ट्रेड नेगोशिएशन और सबके लिए राज्य सत्ताओं की जरूरत होती है। तो किसी एक राज्य सत्ता को नहीं चुन लगे, एक हिस्टोरिकल बॉन्ड है तो अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी के लिए अमेरिकन राज्य सत्ता, तो राज्य सत्ता की एक भूमिका उनके हित में खड़े रहने की बनती है। लेकिन लेनिन के समय से एक बदलाव दिखाई पड़ता है, संरचना और कार्य प्रणाली में क्या बदलाव आए हैं और नेशन स्टेट्स का रोल किस प्रकार, राष्ट्र राज्यों का रोल लेनिन के समय से आज के समय में किस प्रकार काफी बदल गया है। अब एक और चीज हम देखें कि जिस तरीके से लेनिन के समय में जो साम्राज्यवाद था उस साम्राज्यवाद ने अपने इच्छाओं की, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपनिवेशों और अर्ध उपनिवेशों और नॉमिनली इंडिपेंडेंट कंट्रीज का निर्माण नहीं किया था। यह उसे इतिहास के प्रारंभ मंच पर औद्योगिक सामंतवाद, औद्योगिक पूंजीवाद और व्यापारिक पूंजीवाद मर्केंटाइल के हितों के बीच का त्रिकोणात्मक टकराव चल रहा था। उसी समय ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, बेल्जियम, जब सीधे ब्रिटिश क्राउन के मातहत भारत हो गया तो ये वहां पर औद्योगिक पूंजीवाद और व्यापारिक पूंजीवाद के बीच का जो संघर्ष था उसमें औद्योगिक पूंजीवाद की एक विजय या वरिष्ठता का जिक्र था। और फिर इनकी रणनीति में परिवर्तन आता है और कैपिटल एक्सपोर्ट करके यहां कारखाने लगाने की शुरुआत होती है 19वीं शताब्दी के तीसरी दहाई। और सबसे तेज वो कब होता है, 20वीं शताब्दी में 1914 से 1919 के बीच और फिर 30s में सबसे तेज गति से पूंजी लगती है। पूंजी वहां से आती है, यहां पर कारखाने लगते हैं। तो उपनिवेश लेनिन ने यह नहीं कहा कहीं भी कि उपनिवेश पूंजीवाद की बुनियादी अभिलाक्षणिकता, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर, वो जिस दुनिया में जी रहे थे उस दुनिया में उपनिवेशों अर्ध उपनिवेशों, और उस समय नव उपनिवेश शब्द नहीं चलता था, नव उपनिवेश शब्द का इस्तेमाल शुरू हुआ है सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उसमें चलता था नॉमिनली इंडिपेंडेंट कंट्रीज या फाइनेंशियल कॉलोनीज। कोमिंटर्न और लेनिन के साहित्य में दो शब्दों का इस्तेमाल करता है, वित्तीय उपनिवेश थे और नाममात्र आजादी वाले देश थे।
ये दुनिया साम्राज्यवाद ने नहीं बनाई, साम्राज्यवाद को ये साम्राज्यवाद ने इन संरचनाओं को अपने तरीके से इस्तेमाल किया और आवश्यकता अनुसार इन्हें बदला और पहले देशों की प्राकृतिक संपदा यहीं पर कारखाना उत्पादों में ढालने लगे और उसे पूरी दुनिया के बाजार में ढालने के बाद एक नई दुनिया का निर्माण शुरू होता है और देशों का एक के बाद एक 47, 48, 49 भारत, बर्मा, श्रीलंका, फिर इंडोनेशिया, इजिप्ट, फिर ये लहर और आगे बढ़ करके पहुंच जाती है ब्लैक अफ्रीका में और बहुत एक छोटे समय में मतलब 50 से लेकर के और 75 गिनी बिसाउ, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका कैसे कुछ जगहों को अगर छोड़ दे तो उपनिवेश खत्म हो चुके थे। दक्षिण अफ्रीका भी उस रूप में उपनिवेश नहीं था, वहां का जो एक बार थाई स्टेट था उसमें उपनिवेशवाद के तत्व थे। जिम्बाब्वे, रोडेशिया ये कुछ देश होते थे। अमेरिका ने एक दूसरी तकनीक का इस्तेमाल किया कि मुनरो डॉक्ट्रिन के तहत और उसके विस्तार विल्सन उप सिद्धांत के तहत दक्षिण अमेरिका को वो अपना बैकयार्ड समझता था और वहां पर वो उन्हीं को बाद में 25 वर्षों तक इस्तेमाल किया और लैटिन अमेरिका में ऐसी मिलिट्री जुंटाएं स्थापित की जो कि एक तरीके से कहा गया बुर्जुआ डेमोक्रेसी से नहीं काम करती थी, बंदूक के बल पर शासन करता था। फिलीपींस में भी था सोमोजा दुवालियर, मार्कोस बतिस्ता वगैरह वगैरह प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाम है और उसी तरीके की कुछ पपेट गवर्नमेंट्स जैसे 53-54 में अमेरिका ईरान में डॉक्टर मुसद्दक की एक रेडिकल बुर्जुआ जनवादी सरकार बनी थी। उस सरकार के गिरने के बाद ईरान का शाह बिले तरीके का तानाशाही था तो उसकी एक पपेट गवर्नमेंट थी। तो इन देशों को हम कह सकते हैं कि नौ उपनिवेश का तरीका था। तो उपनिवेशवाद के शताब्दियों लंबे ऐतिहासिक दौर में एक साम्राज्यवाद वादी उपनिवेशों का दौर था और उसके पुछलने के तौर पर 25 साल का नौ उपनिवेशों का दौर था जिसमें कि साम्राज्यवाद